आना, मतलब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अंदर में। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे सेफ होंगे। तो बाकी गाइस, आज का गुड मॉर्निंग ए लॉज से, ये है लॉज जहाँ पे हम नाइट में स्टे किए थे, रुके थे। ये लॉज का नाम है श्री लक्ष्मी और ये डुंगूर करके एक जगह है, वहाँ पे है। और अभी टाइम हो रहा है 7:00, 7:10 हुए हैं, तो अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे। और बाकी आज का जो राइड होने वाला है, मेरा आज का राइड हो रहा है 53 किलोमीटर। आज हम जाने वाले हैं तिरुपति। आप तिरुपति सुने होंगे, तो यहाँ से 53 किलोमीटर तिरुपति है। और यहाँ से सामने ही से ना हाईवे लगा हुआ है, सामने में ही, तो दिक्कत नहीं है, सीधा हाईवे पकड़ के जा सकते हैं। बाकी रोड तो ठीक है, मस्त है, बढ़िया। तो बाकी यही, आप ब्लॉग में बने रहिए और मिलते हैं आपको। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज का राइड स्टार्ट हो गया है हमारा। और इधर पे सूर्यदेव भी दर्शन दे दे, जय सूर्यदेव। और हमें आज सीधा हाईवे ही जाना है। और ये वाला जो हाईवे है, चेन्नई भी जाएगा और तिरुपति बालाजी भी जाएगा। तो हम जाएंगे तिरुपति बालाजी, यहाँ से कन्याकुमारी है 842 किलोमीटर, चेन्नई 132 किलोमीटर। और हमारा जो टारगेट है तिरुपति बालाजी का, वो है 93 किलोमीटर, हिंदी में बोल देते भाई। देख रहे हो क्या चीज़ है भाई, कमेंट करके बताना। इतना बड़ा है भाई, इतना लंबा, ऐसा लग रहा है सार का मछली के जैसे बहुत लंबा। वो जा रहा है आगे। तो गाइस, आज मौसम का हाल है, बदल छाया हुआ है, धूप तो नहीं है। अभी 8:30 हो गए, तब से भी उतना धूप नहीं हो रहा है, लेकिन तब से भी भाई गर्मी पीछा नहीं छोड़ रहा है गर्मी अभी। और इधर का ऑटो का देखो, इधर ऑटो में पीछे साइड में भी बैठने का बनाए रहते हैं, पीछे भी लटक के जाओ, सीट लगा दिए रहते हैं। और आज बदल बदल, बढ़िया है बदल बदल। और ये राइट साइड में फूल लगे हुए ना, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। गाइस, बमहूर का पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये देखो, इधर बमहूर, उधर बमहूर, पूरा ये है, बहुत ज़्यादा रोड रोड के साइड में इसी का पेड़ ही मिलेगा इधर। यहाँ से नायडू पेटा करके एक सिटी है, 13 किलोमीटर बाकी है, नायडू पेटा। मैं फिल्म में, कोई फिल्म में तो सुना था ये सिटी का नाम, नायडू पेटा वाला, याद नहीं आ रहा वो फिल्म का नाम, साउथ का ही फिल्म है, सुना था नायडू पेटा। आज चलो देख भी लेंगे नायडू पेटा सिटी है, नाम भी इधर थोड़ा अजीब अजीब है, नायडू पेटा, ट्रूपल्लम, मतलब मम ज़्यादा आता है लास्ट, मम, रामेश्वरम, कालेश्वरम, भोपाल पट्टनम, भोपाल पल्लिम, ऐसा कुछ नाम आता है इधर, मम मम। यहाँ पे इस रोड में जाते जाते हाईवे में एक नदी पड़ा है, फिर नदी, अभी नदी का तो नाम पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा है भाई नदी भी। और इधर का नज़ारा कई मस्त लग रहा है, पूरा रेत रेत इधर चारों ओर, एक रोड से कटा हूँ इधर अंदर, ये थोड़ा गांव के गलियों से, गली से जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से थोड़ा दूर में हाईवे मिल जाएगा मेरे को तिरुपति वाला, वो चेन्नई वाला रूट था इधर पे। भाई बहुत देख रहे हैं मेरे को, घर बहुत मस्त मस्त है भाई,
बढ़िया सुंदर सुंदर घर बना के रखे हैं। यहाँ पे है रेलवे फाटक, उसके बाद फिर एक गांव का गली। एक गांव का होते हुए जा रहे हैं और एक गांव का नाम तो पता नहीं। तो गाइस अभी एक इधर पे सिटी है नंदू पेटा, तो वहाँ से अभी गुजर के अंदर से होते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो बीच बीच में लगा है ना ये जो पेड़ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया ग्रीन ग्रीन और अच्छा भी दिख रहा है, देख रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ पे बहुत समय तक रेस्ट के, और ये भैया है, आप भैया यूपी के ना, ये भैया यूपी के मेरे को जूस पिलाए, तो थैंक यू सो मच ब्रो, ओके बाय बाय। तो ये भैया यूपी के और जूस वूस पिलाए, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत समय तक बात कर रहे थे। तो बाकी गाइस अपन चलते हैं, यहाँ से है तिरुपति 60 किलोमीटर दूर है, तो धूप भी बहुत हो गया, 11 बज गया, अभी आधा घंटा रेस्ट किया हमें, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। तेज हो गया इधर पे, देखो भाई साहब उतना समय धूप नहीं था, बदल था, अब तो और गर्मी लगने लग गए बहुत। और यहाँ पे इधर पे गर्मी फसल लगाने का तैयारी हो रहा है पूरा। अभी एक छांव में रुके हैं हम, और धूप ना भाई बहुत ज़्यादा है भाई साहब, उतना समय बदल था तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब धूप के मारे हालत ख़राब है, सब अच्छा है लेकिन धूप भाई साहब यार, लेकिन क्या करें, ना दिक्कतें ना परेशानी, तो क्या मज़ा है जीने में, सही बात है ना भाई, दिक्कत परेशानी नहीं आएगा तो राइड करने में मज़ा ही क्या है बताओ। तो इसको भी सह लेंगे भाई। बाकी यहाँ से है तिरुपति बालाजी वाला रोड 50 किलोमीटर बाकी है, और मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम तिरुपति बालाजी जा रहा हूँ यार। सुनता था मैं टीवी में या लोगों के मुंह से या पुस्तक में पढ़ा था तिरुपति बालाजी के बारे में, लेकिन आज देखो हम खुद अपने हम सफ़र के साथ, अपने हम सफ़र के साथ जा रहे हैं तिरुपति बालाजी, दर्शन करेंगे और आपको भी हो सके वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो आप ब्लॉग में बने रहिए। कुछ डिजाइन इस प्रकार रहता है ना भाई, पूछो मत, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना के रहते हैं मंदिर। और इधर पे घर भी बहुत प्यारा प्यारा है देखिए, और हम गांव के गलियों गांव के सोते हुए गुजर के जा रहे हैं, और इधर पे बहुत फसल वसल लगाते हैं क्या, तो पैरा हर के घर में दिख रहा है, उधर बहुत ज़्यादा ज़्यादा है भाई, देख रहे हैं। और होटल में आए हैं, यहाँ पे छोटा सा होटल है इधर पे खाना खाने के लिए, धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है, फिर खाना वाना खाएंगे, ऐसे भी धूप हो गए तो इधर रेस्ट करेंगे थोड़ा देर तक, मतलब 2 घंटा, उसके बाद धूप कम हो जाएगा फिर चलेंगे। और यहाँ खाना ही मिलेगा, खाना दाल चावल रसम ऐसा कुछ, और खाओ अपने निकाल निकाल के ऐसा, फिर खाना वाना खाते हैं उसके बाद मिलेंगे आपसे। बाकी गाइस खाना वाना खा के मैं निकल गया आगे अपने राइड जर्नी की ओर। अब यहाँ से समथिंग 45 किलोमीटर दूर है आपका, यहाँ से समथिंग 45 किलोमीटर दूर है तिरुपति, और ये जितना भी गाड़ी देख रहे हो ना ये तिरुपति जा रहे हैं, बताओ सब मंदिर तिरुपति मंदिर जा रहे हैं। और भाई हाईवे है इधर पे, यही वाला सिंगल वाला हाईवे मिलेगा तो बहुत गाड़ी चलता है इधर पे, तो राइड करने में दिक्कत होता है थोड़ा, क्योंकि बड़ा बड़ा गाड़ी आता है इधर पे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मतलब 1.5-2 घंटा तक बैठा था मैं, क्योंकि धूप बहुत, अभी भी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं तब भी अभी धूप एक कम नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है भाई अभी। ये वाला है तिरुपति, यहाँ से अब समथिंग 38 किलोमीटर बाकी है तिरुपति मंदिर। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ भाई, सो हैप्पी।
तिरुपति जाने के लिए आई एम एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी एक्साइटेड हो गए तिरुपति मंदिर को दर्शन करने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना वो भी नहीं तो। यहाँ से तिरुपति है 25 किलोमीटर और इधर पे फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है यार। एक वहाँ फैक्ट्री है, उधर एक फैक्ट्री है और पीछे एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री अब किस किस चीज़ का फैक्ट्री है तो पता नहीं। भी इधर पे डूबते हुए और इधर पे देखो केले की खेती बहुत अच्छा लग रहा है भाई। इधर पे गांव से होते जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आ रहे हैं और अभी ठंडा ठंडा हवा आ रहा है ना भाई साहब, पूरा थकान दूर हो गया बताओ। तो गाइस गुड इवनिंग आप सभी जने को, और अभी इवनिंग का 6 बजे हैं और यहां से समथिंग 15 किलोमीटर बाकी है आपको तिरुपति। और उधर भाई सूर्यदेव भी डूबते हुए, और भाई इधर पे बहुत मस्त लग रहा है ना, खेत वेत हैं और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है भाई साहब। देखो बहुत मस्त मस्त जगह है भाई। तो गाइस ए वाला रोड है तिरुपति एयरपोर्ट आगे, यहाँ से समथिंग 3 किलोमीटर है यहाँ से एयरपोर्ट, और ए है तिरुपति, यहाँ से 13 किलोमीटर तिरुपति। तो गाइस यहाँ पे एक चौक है, इस चौक से हमें जाना है लेफ्ट, और इधर पे आंध्रा में कुछ लिखा है तो पता नहीं। तो इधर है तिरुपति और उस साइड में है राजनगोंडा, क्या क्या नाम है मेरे को भी समझ नहीं आता। तो इस साइड है तिरुपति, चेन्नई तिरुपति इस साइड में। तो भाई साहब बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है यार इधर, तो इस साइड में भी ये चेन्नई वाला रूट है, इधर से भी चेन्नई जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से चेन्नई समथिंग 125 किलोमीटर पड़ेगा मेरे को। तिरुपति बालाजी मंदिर का एंट्री गेट यहाँ से है, बहुत मस्त लग रहा है। अभी शाम के 7 बज गए हैं तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, और हम फाइनली पहुंच ही गए हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए तिरुपति, और ये है मंदिर रेस्ट हाउस, दिख रहा है इधर पे मंदिर रेस्ट हाउस, यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मैं भी इधर पे आ चुका हूँ और दर्शन करने के लिए कल सुबह जाएंगे, अभी मतलब सब चीज़ इधर पे है, सभी चीज़ है रहने के लिए रुकने के लिए। और इधर पे पुलिस वाले अंकल थे वो मेरा मदद कर दिए बहुत, और बहुत बड़ा जगह है भाई इधर पे, और फ्रेश व्रेश होने का सब जगह इधर पे फ्रेश व्रेश होंगे। और मेरा जो साइकिल है मैं इधर पे खड़ा किया हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा भाई साहब, मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा यहाँ पे, बहुत बड़ा एरिया है यार। और ये है अपना हम सफ़र इस साइड में, तो यहाँ पे खड़े कर दें, अभी हम इधर पे जाते हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मंदिर मतलब रेस्ट हाउस बहुत बड़ा है भाई, अब कहाँ कहाँ जाते हैं समझ नहीं आ रहा, वॉशरूम किधर है पता नहीं, तो रात में इधर ही पे सोना पड़ेगा हमें। और ये भगवान, तो जय भगवान। बाकी ये नहा वहाँ के फ्रेश हो गए हम, तब से भी यहाँ अंदर बहुत गर्मी है। और इधर पे मिलता है खाना प्रसाद, उसी को लेने जा रहे हैं। और भाई यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है यार, मतलब रहने का खाने का
वही ढूंढ रहा है खाना किधर पे मिलता है। अगर रहने का बढ़िया बन रहा है, रूम भी रहता है यहाँ पे, रूम में भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है खिचड़ी, थोड़ा थैंक यू। तो बस ये कुछ खिचड़ी है मिला हुआ है, तो खाते हैं। और बैठने बैठने का सबका व्यवस्था है इधर पे। भाई साहब मज़ा आ गया यहाँ आके, तो खाना वाना मतलब बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अंदर में बढ़िया खाना वाना देते हैं, बहुत मस्त लगा आके। पहले खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। बाकी गाइस खाना वाना खा के तो हम आ गए, और इधर पे मेरा टेंट लग गया इस साइड में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग सोते हैं इधर पे पीछे में देखो, और ये अपना टेंट आज का गुड नाइट यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा बढ़िया टेंट लगा दिया, पंखा वंखा सब है। और इधर पे सभी लोग मतलब ये यात्री हैं, मतलब दर्शन करने के लिए सुबह सभी लोग दर्शन करने चले जाएंगे। तो बाकी यहाँ पे अंधेरा है, बाकी हम भी सुबह दर्शन करने चले जाएंगे, आज नाइट में यहीं पे रहते हैं और सुबह दर्शन करने जाएंगे, फिर मिलेंगे। और आज का ब्लॉग आप देख रहे होंगे बहुत मस्त था, मतलब 95 किलोमीटर राइड हुए, तिरुपति आए, इससे पहले कभी आए नहीं थे तिरुपति। बाकी कल दिखाएंगे आपको तिरुपति मंदिर का भी, हो सके तो अंदर दर्शन करने देते हैं, नहीं देते हैं पता नहीं, दर्शन करने देंगे तो आपको ज़रूर मिलाएंगे। बाकी इधर पे खाना वाना का यहाँ सिस्टम बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत मस्त है। और भाई साहब आके खुश हो गया दिल, एक बार आप भी ज़रूर आना तिरुपति। और यहाँ रहने वहने का दिक्कत नहीं है, मैं दिक्कत होगा रहने का बोला था नहीं है। बाकी आपको ब्लॉग कैसे लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबाना। बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में, तिरुपति दर्शन कराएंगे, तिरुपति घुमाएंगे और यहाँ के बारे में भी बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाकी गुड नाइट, बाय बाय।